गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो है फॉर क्लास 11th एंड द फर्स्ट यूनिट इज मेजरमेंट। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ध्यान से पूरा वीडियो देखो तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट थिंग आई एम यूजिंग दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, द वेरी फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जिस क्वांटिटी को हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेजर लेंथ ऑफ दिस पेन, तो लेंथ इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। We can measure area of the board. Formula is length into breadth. So we can calculate area of the board. Then area is called physical quantity. Length, area. We can find volume of this room. Hence volume is called physical quantity. We can measure temperature. Yes, using thermometer we can measure temperature. Then temperature is the फिजिकल क्वांटिटी। वी कैन मेजर टाइम, तो टाइम इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो इट मीन द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इमोशंस वी कैन मेजर। सपोज आप ये वीडियो देख रहे हो इस टाइम और आपको कितना एक्साइटेड हो, कितना हैप्पी फील कर रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है, आई कैन मेजर। तो इमोशंस जो है वी कैन मेजर। तो क्वांटिटी कौन सी है फिजिकल, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेजरमेंट, हाउ कैन यू डिफाइन मेजरमेंट। मेजरमेंट एक्चुअली है क्या, हिंदी तो सबको मालूम है ना अपना, हिंदी में बोलते हैं इसको। तो एक्चुअली सपोज फॉर एग्जांपल इफ यू नीड ए क्लॉथ ऑफ 3 मीटर, आप मार्केट गए और शॉपकीपर को बोला गिव मी 3 मीटर क्लॉथ, देन व्हाट विल शॉपकीपर डू, क्या करेगा। जितनी भी शॉप्स होंगी उनके पास एक रोड होगी जिसे हम लोग बोलते हैं मीटर स्केल। वो जो मीटर स्केल है जितनी भी शॉप्स हैं सब पे सेम लेंथ की होगी, सेम मतलब वो स्टैंडर्ड है। जितने भी शॉप्स हैं दे हैव प्रीवियसली डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स जिसको हम मीटर स्केल बोलते हैं। फिर शॉपकीपर क्या करेगा, पहले वो मीटर स्केल उठाएगा, फिर वो क्लॉथ को कंपेयर करेगा, 1, 2, 3, देन कट द क्लॉथ। तो मेजरमेंट इज द कंपेरिजन। कंपेरिजन किसका, क्लॉथ का विद मीटर स्केल, मतलब कंपेरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या मतलब है, कंपेरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ प्रीवियसली डिसाइडेड स्टैंडर्ड। मतलब कि जो स्टैंडर्ड हमारे पास है उससे क्वांटिटी को कंपेयर करना, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। वन फॉर एग्जाम्पल सपोज यू नीड ए शुगर ऑफ 1 kg, तो आप शॉपकीपर के पास जाओ, वो क्या करेगा, इधर रखेगा शुगर, इधर रखेगा 1 kg का स्टैंडर्ड। तो वो क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, ही इज कंपेयरिंग द शुगर विद स्टैंडर्ड। तो दिस कंपेरिजन इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट इज द कंपेरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद प्रीवियसली डिसाइडेड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट टर्म इज यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। Previously decided standards used for measurement are called units. जो standard हम लोग use करते हैं measurement के लिए उसे unit बोलते हैं। For example length. For measuring length we will use centimeter, millimeter, kilometer. तो these all are called units of length.
तो लेंथ के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वी आर यूजिंग इन डेली लाइफ। फॉर मेजरिंग मास, मास के क्या स्टैंडर्ड है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मास, तो मेरे पास है ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन्स, दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर मास। एंड स्टैंडर्ड फॉर टाइम, सेकेंड्स, मिनट, आर, डेज, ईयर, मंथ, डिकेड, सेंचुरी, दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर टाइम। तो यूनिट्स का मतलब क्या हुआ, प्रीवियसली डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट्स, दीज आर कॉल्ड यूनिट्स। ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन एज क्यू इज इक्वल टू एन यू, क्यू इज इक्वल टू एन यू। फॉर एग्जाम्पल, क्लोथ इज इक्वल टू 3 मीटर। हियर क्यू इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, यू इज कॉल्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हियर क्लोथ इज द फिजिकल क्वांटिटी एंड मीटर इज द यूनिट ऑफ क्लोथ, यूनिट ऑफ लेंथ। एंड एन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, एन का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट इज रिपीटेड। इफ आई नीड 3 मीटर क्लोथ, तो मीटर शुड बी रिपीटेड 3 टाइम्स। तो एन मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट इज रिपीटेड एंड एन यू इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये जो एन यू है ये बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट कितना है। सपोज आई एम सेइंग 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर, तो आपके माइंड में सडनली आए कितनी लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो आई विल पोस्ट आफ्टर वन डे, तो यू नो वन डे व्हाट इज द टाइम वन डे। इफ आई एम सेइंग आई विल पोस्ट न्यू वीडियो आफ्टर 10 डेज, तो यू नो द टाइम 10 डेज कितना टाइम है। तो मतलब दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो मेजरमेंट क्या है, सपोज आई एम मेजरिंग द बोर्ड विथ पेन, तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेंथ ऑफ द बोर्ड इज 8 पेन। 8 मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स द पेन इज रिपीटेड। अगर 8 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 8 पेन, 10 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 10 पेन, बट पेन इज नॉट ए स्टैंडर्ड। तो मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ, कंपैरिजन ऑफ ए क्वांटिटी विद प्रीवियसली डिसाइडेड स्टैंडर्ड। क्यू इज इक्वल टू एन यू एंड एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन यू। हियर वन मोर पॉइंट, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। If quantity is same, if magnitude is same, then n is inversely proportional to u. For example, 5 meter is equal to 5,500 centimeter. This is n1 u1, this is n2 u2. Here meter is the bigger unit and hence numerical value will be small. Centimeter is the smaller unit and hence numerical value will be large. 1 kg is equal to 1000 gram. Kg is the bigger unit, hence numerical value is only 1. Gram is the smaller unit and hence numerical value will be 1000. So means n is inversely proportional to u. Larger the unit, smaller is the numerical value. Smaller is the unit, larger is the numerical value. तो नेक्स्ट इज क्यू इज इक्वल टू एन। और नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल होता है बिल्कुल रॉ मटेरियल। सपोज आपको घर बनाना है अपना, तो यू नीड ब्रिक्स, यू नीड स्टील, यू नीड वुड, दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स।
जैसे मुझे कोई भी वर्ड लिखना है तो आई नीड अल्फाबेट्स, तो ए बी सी अप टू जेड डीज आर द फंडामेंटल लेटर्स, तो बाकी वर्ड सेंटेंस जो भी बनाऊंगा मैं इनके कॉम्बिनेशन से बनाऊंगा। सेम यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटीज आर इन्फिनिटी, वेरी वेरी लार्ज नंबर, द लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, और सबके लिए यूनिट अलग अलग बनाना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ यूनिट्स को मैंने लिया जिनको हमने बोला फंडामेंटल यूनिट्स, बाकी यूनिट्स बनेंगे इनके कॉम्बिनेशन से। तो दीज यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स एमएलटी, द यूनिट ऑफ मास किलोग्राम मीटर सेकंड, एमएलटी से याद करो। तो फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी है, एमएलटी, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम, दीज थ्री यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। वन मोर एग्जाम्पल, जैसे फंडामेंटल कलर्स है रेड ब्लू ग्रीन, अब मैं इन तीनों कलर्स को मिलाऊंगा तो नए नए कलर बनेंगे। तो अगर आपके पास थ्री बॉक्सेस हैं रेड ब्लू ग्रीन कलर के तो आप उनको डिफरेंट प्रोपोर्शनलिटी में मिलाओ तो नए नए कलर बन जाएंगे। सेम यहाँ पर यूनिट्स का सेम सिस्टम। नेक्स्ट इज बेसिक यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स आर ओनली थ्री एंड बेसिक यूनिट्स आर सेवन। तीन यूनिट से काम नहीं चला शुरू में तो चार यूनिट और ऐड करती, तो टोटल जो सेवन यूनिट्स हैं उन्हें बोलते हैं बेसिक यूनिट्स। तो बेसिक यूनिट में क्या आता है, एम एल टी तो है, मास लेंथ टाइम तो है, मास लेंथ टाइम फोर्थ इज टेम्परेचर, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। वैसे तो सेल्सियस भी होती है, फारेनहाइट भी होती है, केल्विन भी होती है, वो एंड तक आपको पता लग जाएगा कि केल्विन हमने क्यों लिखा है। नेक्स्ट इज करंट, द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द यूनिट इज मोल। नेक्स्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड यूनिट इज कैल्विन। सपोज सी, तो दीज सेवन यूनिट्स आर कॉल्ड बेसिक यूनिट्स, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर कैल्विन, करंट एज यूनिट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैल्विन। कैंडला वर्ड कैंडल से मिलता होता है, कैंडल, कैंडल इज रिलेटेड टू लाइट और लाइट हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो सिर्फ नाम नाम याद रखना है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट इज कैंडल। तो दीज आर द सेवन बेसिक यूनिट्स। अब याद कैसे करना है, अब जब मैंने स्टार्टिंग में बढ़ाना शुरू किया 97 में तब एक गाना चलता था जिद्दी मूवी का गाना था, मेरा दिल ले गई और कम हो किधर, तो तब मैंने बच्चों को कहा कि कम्बो वाला गाना याद कर लो, कम्बो वाला गाना सुनना है सी डी में। आजकल तो शीला और मुन्नी चलते हैं, पहले कम्बो चलते थे। तो के का मतलब केल्विन, केल्विन मीन्स टेम्परेचर, ए फॉर एम्पियर, एम्पियर मीन्स करंट, एमओ मीन्स मोल, मोल मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ये जो कम्बो वाला गाना है वो सुनोगे सी डी में, और सी डी से बन गया कैंडला और कैंडल से बन गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो टोटल सेवन यूनिट्स होगी बेसिक यूनिट्स, एम एल टी कम्मो सी। तो दिस इज द मेथड हाउ कैन यू रिमेंबर दिस सेवन बेसिक यूनिट्स। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो देयर आर टू मोर यूनिट्स जिनको हमने ऐड किया उन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। नेक्स्ट वन इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन एंड यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टी रेडियन। वैसे तो इतना ही सफिशियंट है, पर मैं थोड़ा डिटेल बताता हूं क्या मतलब है इसका।
द प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो हमने पढ़ी है डिग्रीज में, और मैं यहां लिख रहा हूं रेडियन। सोलिड एंगल होता है सी रेडियन। तो पहले बता दूं व्हाट इज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब है एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये जो दो लाइनें आपस में कट कर रही हैं इनके बीच में जो ये एंगल है इन्हें क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। एंड फॉर्मूला फॉर प्लेन एंगल इज, दिस इज आर्क, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज रेडियस ऑफ द आर्क, देन थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर प्लेन एंगल। और आपने पढ़ा है यूनिट पढ़ी है डिग्रीज में, तो वन रेशन यू विल रिमेंबर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। सपोज यू हैव एंगल ऑफ 30 डिग्री, सो कन्वर्ट करना है रेडियन में, 30 इंटू पाई बाई 180 आंसर विल बी पाई बाय 6 रेडियन। फिर सुन लो, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन और 1 डिग्री आएगा पाई बाय 180 रेडियन। 30 डिग्री उठ द वैल्यू ऑफ डिग्री, 30 इंटू पाई बाय 180 पाई बाय 6 रेडियन। सपोज आपके पास एंगल है पाई बाय 4 रेडियन, इसके डिग्री बनाओ, तो पाई रेडियन का मतलब है 180 डिग्री बाई 4 यानी कि 45 डिग्री। तो ये कभी भी यूज हो सकता है, अगर अदरवाइज जहां तक चैप्टर की बात है तो आपको बस इतना पता होना चाहिए प्लेन एंगल यूनिट इज रेडियन, सॉलिड एंगल इज यूनिट इज स्टी रेडियन। तो प्लेन एंगल मैंने बता दिया एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब क्या है कि सपोज ये कोई मेरे पास फुटबॉल है, सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ फुटबॉल, और ये कोई पैच है, एरिया है फुटबॉल में छोटे छोटे पैच बने होते हैं। ये जो एंगल बनेगा कोण एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इस एंगल का नाम क्या है, सॉलिड एंगल। सपोज ये एरिया है ए, रेडियस है आर, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस स्फीयर। कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हो एंगल देख के, भी ये रेडियन में क्यों नहीं है, डिग्री में क्यों नहीं है, ये एंगल कौन सा है। सिंपल एग्जांपल है गुलाब जामुन और गुलाब, कोई रिलेशन नहीं है बस, गुलाब गुलाब कॉमन है बस। तो यहाँ पे एंगल और एंगल कॉमन है, रिलेशन कुछ नहीं है, ये अलग चीज है ये अलग चीज है। तो गुलाब जामुन अलग चीज है, गुलाब अलग चीज है, दोनों में कोई भी रिलेशन दूर दूर तक नहीं है। वैसे ही प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में भी कोई रिलेशन नहीं है। This is the quantity measured by measured in radian. This is the quantity measured in steradian. Plane angle है, angle between two intersecting lines. Solid angle है, ये 3D angle, solid angle. Formula भी different है, units भी different. तो there are total 9 units अब तक जो मैंने पढ़ाई हैं, 3 fundamental, उसमें 4 और add कर दिया तो बन जाएगी 7 basic units. And these two are called supplementary units. तो नेक्स्ट आएगा मेरा इसमें ड्राइव यूनिट्स। इन 9 यूनिट्स के अलावा जो भी यूनिट हम लोग लिखेंगे आगे फ्यूचर में, आज भी मैं लिखूंगा, वो सारी ड्राइव यूनिट्स हैं। एंड ड्राइव यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे मैंने बताया था कि अल्फाबेट्स है ए बी सी डी अप टू जेड, मैं आप उनको मिक्स कर करके नए नए वर्ड्स बना रहा हूँ, नए नए सेंटेंस बना रहा हूँ। तो ऐसे ही फंडामेंटल यूनिट्स को मिक्स कर करके मैं नई नई यूनिट्स बनाऊंगा, एंड दीज ऑल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। तो नेक्स्ट इज ड्राइव यूनिट्स। तो ड्राइव यूनिट्स आर द यूनिट्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स आर द यूनिट्स अदर देन बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट के अलावा जो भी यूनिट है उसका नाम क्या है, ड्राइव यूनिट। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग एरिया, द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, यूनिट इज मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। तो एरिया हैज यूनिट मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर तो अभी तक मैंने लिखा ही नहीं है, उन 9 में तो है ही नहीं।
तो मीटर और मीटर को मल्टीप्लाई करके जो नई यूनिट बनी उसका नाम है ड्राइव यूनिट। वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड। तो वॉल्यूम कोई भी हो यूनिट क्या रहेगी, मीटर मीटर मीटर, दैट विल बी मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हैज यूनिट मीटर क्यूब एंड दिस इज कॉल्ड ड्राइव यूनिट। डेंसिटी, द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब इज द ड्राइव यूनिट बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ फंडामेंटल यूनिट। वन मोर यूनिट आई एम राइटिंग स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड एंड दिस ऑल आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। तो ड्राइव यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। एंड वन मोर पॉइंट इज दैट इज एम के एस सिस्टम। नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो फर्स्ट सिस्टम इज एम के एस सिस्टम, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। एम के एस सिस्टम इज द सिस्टम इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। मतलब कि सब कुछ मीटर किलोग्राम सेकंड में होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने जो यूनिट लिखी है ये मैंने लिखी है एम के एस सिस्टम, यानी कि मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर मैं पूछता हूँ आपकी हाइट कितनी है तो यू विल गिव मी द आंसर इन मीटर, 1.7 मीटर, 1.6 मीटर, व्हाटएवर हाइट। तो आंसर मीटर में मिलेगा, मास किलोग्राम में मिलेगा और टाइम सेकंड में मिलेगा। तो उस सिस्टम का नाम क्या बन जाएगा, एम के एस सिस्टम। नेक्स्ट अब है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम इज द सिस्टम इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। मतलब लेंथ होगी सेंटीमीटर्स में, मास होगा ग्राम्स में और टाइम होगा सेकंड में। इन सीजीएस सिस्टम, यही मैं लिख रहा हूं, मीटर स्केयर की जगह मैं लिख दूंगा सेंटीमीटर स्केयर। द यूनिट ऑफ एरिया इज सेंटीमीटर स्केयर इन सीजीएस सिस्टम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस सिस्टम, यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस सिस्टम, एंड यूनिट ऑफ स्पीड इज सेंटीमीटर पर सेकेंड अगेन इन सी जी एस सिस्टम। तो दीज आर द यूनिट्स इन सी जी एस सिस्टम। नेक्स्ट इज एफ पी एस सिस्टम। एफ मीन्स फुट, पी मीन्स पाउंड, पाउंड एल पी, एस फॉर सेकेंड। FPS system is a system in which unit of length is foot, unit of mass is pound and unit of time is second. So in FPS system, if I am writing FPS system, the unit of area will become foot square, unit of volume will become foot cube, unit of density will become pound per foot cube, pound per foot cube. एंड यूनिट ऑफ स्पीड इज फुट पर सेकेंड। तो दिस इज द एफपीएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम आर बेस्ड ऑन थ्री फंडामेंटल यूनिट्स, ध्यान रखना, दीज आर बेस्ड ऑन थ्री फंडामेंटल यूनिट्स। एंड नेक्स्ट कम्स एसआई सिस्टम। SI system is called international system of units. तो पहला पॉइंट तो ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी।
एक्चुअली आजकल ट्रेड होता है इंटरनेशनल लेवल पे, अगर सब अपने अपने स्टैंडर्ड बनाएंगे तो इट विल क्रिएट ए कंफ्यूजन। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, आप कल घर से क्लोथ ले गया ना 10 आर्म्स लेंथ, जो लेंथ होनी चाहिए वो 10 आपने अपने आर्म से लेंथ नोट कर गया नहीं। अब आर्म्स का साइज सबका सेम तो है नहीं, छोटा बच्चा है तो आर्म्स लेंथ कम है, बड़ा बच्चा है तो आर्म्स लेंथ ज़्यादा है। तो जब आप क्लोथ ले गया होगे मेरे यहाँ पे तो सबकी लेंथ सेम नहीं होगी, तो इसलिए इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूज किया। मैंने कहा कल घर से 5 मीटर क्लोथ ले गया था तो 5 मीटर ये स्टैंडर्ड सब जगह स्टैंडर्ड है वो, तो आप सबके क्लोथ की लेंथ सेम मिलेगी। लेकिन मैं 5 आर्म क्लोथ मंगाऊंगा तो सबके लेंथ अलग अलग मिलेगी। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक सिस्टम लोड किया जिसका नाम क्या है SI सिस्टम। एंड SI सिस्टम इज बेस्ड ऑन 7 बेसिक यूनिट्स, MKS, CGS, FPS इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट एंड SI सिस्टम इज बेस्ड ऑन 7 बेसिक यूनिट्स। SI सिस्टम में मास को लिया किलोग्राम, लेंथ को लिया मीटर, टाइम को लिया सेकेंड, टेम्परेचर को लिया केल्विन। तभी मैं बता रहा था कि वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि वो जो मैंने यूनिट्स लिखी थी सारी वो SI सिस्टम में लिखी हुई। यूनिट तो सेल्सियस भी है, फारेनहाइट भी है टेम्परेचर की, बट SI सिस्टम में हम लोग रहते हैं केल्विन। करंट हैज यूनिट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैज यूनिट मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी हैज यूनिट कैंडेला। तो ये जो यूनिट्स मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी वो लिखी थी अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम। तो वी हैव सिस्टम ऑफ यूनिट्स MKS, CGS, FPS बेस्ड ऑन 3 फंडामेंटल यूनिट, SI सिस्टम इज बेस्ड ऑन बेसिक यूनिट्स। नाउ वी हैव 2 प्रॉपर्टीज ऑफ SI सिस्टम जो एग्जाम में आ सकती है, पूछा जा सकता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ SI सिस्टम इज इट इज कोहेरेंट। SI सिस्टम एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कोहेरेंट एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज रैशनल। कोहेरेंट, कोहेरेंट मीन सेम सोर्स। अभी जितने भी यूनिट्स मैंने लिखी हैं उन सबका सोर्स है फंडामेंटल यूनिट्स। ऑल यूनिट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कोहेरेंट। जितने भी मैं ये वर्ड सेंटेंस लिख रहा हूं उनका सोर्स है अल्फाबेट्स A to Z, तो सोर्स सबका सेम है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है कोहेरेंट। ऑल यूनिट्स आर ड्राइव फ्रॉम बेसिक यूनिट्स, ऑल यूनिट्स आर ड्राइव फ्रॉम बेसिक यूनिट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कोहेरेंट। सेकेंड इट इज रैशनल। रैशनल मीन्स ईच फिजिकल क्वांटिटी हैज ओनली 1 यूनिट, वेदर इट मे एक्सप्रेस इन एनी नंबर ऑफ फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल लेके चलूँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, वॉल्यूम ऑफ सफियर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, इनके फॉर्मूलाज तो अलग है बट यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। Suppose I am talking about energy. Energy, चाहे वो kinetic energy है, चाहे वो potential energy है, चाहे वो heat energy है, चाहे वो mechanical energy है, what type of energy it may be, the unit of all energy is joule. ये joule कौन सा system है, we will discuss later, but अभी मैं बता रहा हूँ कि rational का मतलब क्या है। Rational का मतलब each physical quantity has only 1 unit. Whether it may express in any number of form, kinetic energy, potential energy, heat energy, unit of energy will be same and that is called joule. Similarly, volume of sphere 4 by 3 pi r cube, volume of cylinder pi r square l, volume of cube l cube, formula may be different but unit will be meter cube. This property is called rational. And one more property, coherent, matlab all units are derived from basic units.
तो यहां तक था बेसिक ऑफ यूनिट्स, टाइप ऑफ यूनिट कौन कौन सी है। इसके बाद मेन चैप्टर स्टार्ट होगा डायमेंशंस, और मैं कोशिश करूंगा कि नोट्स की पीडीएफ फाइल भी इसके साथ अटैच कर दूं ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, जो मैंने समझाया है वो यूं का यूं आपको रिटर्न में मिले। तो धीरे धीरे मैं जैसे जैसे वीडियोस पोस्ट होती जाएंगी, इम्प्रूवमेंट पिक्चर क्वालिटी में भी और जो नोट्स की क्वालिटी है उसमें भी सब कुछ धीरे धीरे मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको। और घर में रहो, कोरोना से बचो, वीडियो देखो और ध्यान से समझो। थैंक यू।